हिंदी साहित्य टीवी पर आपका स्वागत है। हिंदी व्याकरण के इस वीडियो में आप जानेंगे एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्दों के विषय में जानकारी। तो देख लीजिए, एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से एकार्थी प्रतीत हो परंतु वास्तव में उनके अर्थ में पर्याप्त अंतर विद्यमान हो, वे शब्द एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द कहे जाते हैं। उदाहरण के लिए अति, जिसका अर्थ है बहुत अधिक, और अधिक, जिसका अर्थ है ज्यादा या तुलना में। इसी प्रकार अभिमान, जिसका अर्थ है स्वाभाविक गर्व, और अहंकार, जिसका अर्थ है झूठा घमंड। इसी प्रकार हिंदी भाषा में अनेक इस प्रकार के शब्द हैं जिन्हें एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्दों की श्रेणी में रखा गया है। तो ये थी जानकारी एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्दों के विषय में। मिलते हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित और किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हिंदी साहित्य टीवी के साथ। धन्यवाद।